और दोस्त क्या हाल है। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम अक्सर सोचा करते हैं। अगर हमारे पास समय यात्रा करने वाली कोई मशीन होती तो हम अतीत में जाकर अपनी उन गलतियों को सुधार सकते हैं जिसे हम कभी नहीं सुधार पाए थे, और भी बहुत कुछ करते। ये जानते हैं कि अटलांटिस को हुआ क्या था, आखिर गीजा के पिरामिड्स को किसने बनाया था, इंसानों ने ये एलियंस ने, और आखिर असल में डायनासोर्स कैसे दिखते हैं, ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कितना भयानक था, और भी बहुत कुछ। लेकिन आज समय यात्रा करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है जिसे इंसान भविष्य और अतीत में आ जा सके, लेकिन समय यात्रा भविष्य में होना मुमकिन है जिसे इंसान भविष्य और अतीत में आ जा सकेगा और उन सवालों का जवाब ढूंढेगा जो सालों से राज बने हुए थे। हैरत की बात यह है कि आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे कई समय यात्री से मिलवाने जा रहा हूँ जिनकी रहस्यमय बातें आपको पूरी तरीके से चौंका देंगी, जैसे भविष्य में होने वाला है एलियंस का हमला और एक ऐसा इंसान जो साल 6000 से आया है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आपका ये सफर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब आप जानने वाले हो कि भविष्य कैसा होगा। डरावना होगा, भयंकर होगा या बेहतर होगा, ये तो आपको वीडियो के अंत में ही पता चलेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप अपने इस प्यारे से चैनल महाभारत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन फ्यूचर में भी मिल सके। साल 2030 से आए हुए आदमी ने साल 2120 की कई चौंका देने वाली बातें बताई। एक सबसे अजीब वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम नोवा है, नोवा ने ये दावा किया कि वो साल 2030 का समय यात्री है। समय यात्री नोवा ने बड़े आश्चर्यजनक से साल 2120 की वीडियो प्ले की। समय यात्री नोवा ने ये कहा कि फेल्ड मिशन के कारण उसे 2018 में वापस आना पड़ा और वो इस वीडियो के जरिए समय यात्रा करने की सच्चाई को इस वीडियो के जरिए फैला रहा है। समय यात्री नोवा ने ये दावा किया कि ये वीडियो 2120 में रिकॉर्ड की गई है और जो वीडियो में सर दिखाया गया है वो 2120 की लास वेगास है जो पूरी तरीके से बदल चुकी है, जिसका एक भी कोना आज के लास वेगास से मेल नहीं खाता है। समय यात्री नोवा ने ये कहा कि जो लाल बादल वीडियो में है उसका कारण यह है कि 2120 में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बादल लाल हो जाएंगे। समय यात्री नोवा ने आगे बताते हुए ये कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और सारी जगह चमड़ी जला देने वाली गर्मी होगी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उस समय की सोसाइटी ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, लेकिन नोवा ने दावा किया कि भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कई तरीके अपनाए जाएंगे। समय यात्री नोवा ने ये कहा कि ये वीडियो सच में 2120 की है जिसमें आप बड़ी बड़ी इमारत और उड़ती हुई गाड़ियां देख सकते हो। ये वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कई लोगों ने ये दावा किया कि ये वीडियो नकली है। वहीं पर कुछ लोगों ने ये कहा कि ये वीडियो पूरी तरीके से असली है और ये हमारा आने वाला भविष्य है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। समय यात्री ने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास किया। लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन। ये मशीन से आप किसी भी इंसान का झूठ पकड़ सकते हो, क्योंकि झूठ बोलते समय हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं और ये मशीन उन्हीं चेंजेस को पकड़ लेती है जिससे ये पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। आप इस वीडियो में जो शख्स देख रहे हो उनका नाम जेमी ओलिवर है जो दावा करते हैं कि वो समय यात्री है, लेकिन हमारे होम प्लेनेट पृथ्वी से नहीं किसी और ही ग्रह से। समय यात्री जेमी ओलिवर ने यह कहा कि वो पृथ्वी के साल 6490 से हैं। लाई डिटेक्टर मशीन उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होती है अगर आप किसी इंसान से एक दो सवाल पूछते हो तो, लेकिन समय यात्री जेमी ओलिवर से कई सारे सवाल पूछे गए जिसमें जेमी ने सारे टेस्ट को पास किया, और ये सब टेस्ट तब हुए जब उन्होंने समय यात्रा के बारे में बताया। समय यात्री जेमी ओलिवर ने ये कहा कि उसकी समय यात्रा करने वाली मशीन टूट चुकी है जिसके कारण वो 2018 में फंस चुका है।
मैं साल 6490 से आया हूँ और मैं पृथ्वी से नहीं हूँ, मैं किसी और ही ग्रह से हूँ जिसका रोटेशन पृथ्वी से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि उसका होम प्लेनेट सन से काफी दूर है। समय यात्री जेमी ओलिवर ने वीडियो में वार्निंग देते हुए यह कहा कि भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या होगी जिसके कारण पृथ्वी आज के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी। समय यात्री जेमी ओलिवर ने यह कहा कि भविष्य में सारे देश की सरकार मिलकर यूनाइटेड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगी। ऐसा होने के बावजूद भी देशों की खुद की गवर्नमेंट और लीडर्स होंगे। जेमी ओलिवर ने यह कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों का अहम हिस्सा होगी और अधिकतर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेंगे। समय यात्री जेमी ओलिवर ने आगे बताते हुए ये कहा कि वो दूसरी दुनिया के एलियन से भी मिल चुके हैं। समय यात्री जिसे यूएस की गवर्नमेंट ने हायर किया, जिसने भविष्य के यूएस प्रेसिडेंट के बारे में बताया, सिर्फ मर्द ही समय यात्रा नहीं कर सकते हैं। एक लेडी जिसका नाम मुआना है, जिसने दावा किया कि वो साल 2100 से आई है, जिसे यूएस की गवर्नमेंट ने हायर किया ताकि उसे एक समय यात्री बना सके। मुआना ने ये कहा कि उसे टाइम मशीन के जरिए 1950 और 1980 में भेजा गया था, लेकिन उसे साल 1950 और 1980 में भेजने का कारण क्या था? मुआना ने ये दावा किया कि वो एक अंडरग्राउंड सिटी का हिस्सा है जहां पर लोग एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं और वहां पर पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि समय यात्री मुआना ने ये कहा कि उसके कई दोस्त जिन्होंने समय यात्रा किया, उन्होंने समय यात्रा करने के बाद खुदकुशी कर ली क्योंकि वो समय यात्रा करने का स्ट्रेस झेल नहीं पाए थे। समय यात्री मुआना ने ये कहा कि भविष्य में कोई उड़ती हुई गाड़ियां नहीं होंगी। फिर मुआना ने खुद को सही करते हुए बोला कि यूरोप में फ्लाइंग कार्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यूएस में आम कारें और बिजली से चलने वाली कारें चलेंगी और सारे हाईवे के किनारे सोलर पैनल्स लगे होंगे जिससे बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलते चलते ही चार्ज हो जाएंगी। समय यात्री मुआना ने साल 2100 के यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया। मुआना ने ये कहा कि साल 2100 के प्रेसिडेंट उतने भी कमाल के नहीं होंगे, लेकिन वो एशिया में चल रहे क्राइसिस को सॉल्व कर देंगे। तो आप क्या सोचते हो कि मुआना सच कह रही है? एक समय यात्री जो 2118 से आया है, जिसने ये कहा कि CIA समय यात्रा करने वाले टेक्नोलॉजी को छुपा रही है। ये अगला समय यात्री जिसने दावा किया कि वो साल 2118 से आया है, जिसने समय यात्रा करने वाली टेक्नोलॉजी के कई राजों का खुलासा किया। इस शख्स ने अपनी पहचान को गुप्त रखा है। ये समय यात्री का नाम है अलेक्जेंडर स्मिथ और इस वीडियो में इस इंसान का चेहरा ब्लर कर दिया गया है और आवाज भी बदल दी गई है, जिसने दावा किया कि वो साल 2118 से आया है, जहां वो 2118 में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता है। जब CIA के लोग अलेक्जेंडर के घर पे पहुंच गए ताकि अलेक्जेंडर उनके एक मिशन में उनकी सहायता कर सके, समय यात्री अलेक्जेंडर स्मिथ के मुताबिक CIA ने उन्हें 100 साल आगे भविष्य में 2218 में भेज दिया। हालांकि अलेक्जेंडर स्मिथ अपने समय में वापस आ गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो समय यात्रा के बारे में सबको बताएंगे। और समय यात्री अलेक्जेंडर स्मिथ ने वीडियो में ये कहा कि गवर्नमेंट कई कमाल की टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपा रही है और उनमें से एक टेक्नोलॉजी है टाइम मशीन। अलेक्जेंडर को ये विश्वास हो ही नहीं रहा था कि उन्होंने समय यात्रा किया है। समय यात्री अलेक्जेंडर स्मिथ ने कई गवर्नमेंट से बात की, जैसे ग्रीस, जिससे ये पता चला कि कई सारी गवर्नमेंट्स के पास अपना खुद का समय यात्रा करने वाली मशीन है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ब्रिटेन के पास भी समय यात्रा करने वाली टेक्नोलॉजी है। अलेक्जेंडर स्मिथ ने यह कहा कि यूएस जैसी कंट्री में कई सारे राज छुपे हुए हैं जिसके बारे में किसी को भी भनक भी नहीं है। अलेक्जेंडर स्मिथ ने 2118 के इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य में रिलेशन बताया और उन्होंने ये भविष्य की फोटो दिखाई। 2048 का समय यात्री, जिसने भविष्य में होने वाले एलियंस हमले के बारे में बताया।
आपने तो इसके बारे में पहले सुना ही होगा। योमिंग का एक आदमी जिसने ये दावा किया कि वो 2048 से समय के पीछे इसलिए आया है कि ताकि वो सबको एलियन हमले के बारे में सावधान कर सके। ये समय यात्री का नाम है ब्रायन जॉनसन, जिसे पब्लिक इंटॉक्सिकेशन के कारण पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कैप्चर व्यूमिंग पुलिस ने ये कहा कि उनका सामना पहली बार ब्रायन जॉनसन को 10:30 बजे अक्टूबर 2017 को हुआ। गिरफ्तार होने के बाद ब्रायन ने ये कहा कि वो 2048 से आया है, और आगे ब्रायन ने बताते हुए ये कहा कि वो समय के पीछे 2018 में इसलिए आया है कि ताकि वो सबको एलियन हमले से सावधान कर सके और जल्द ही इस देश को छोड़कर कहीं और चली जाए, क्योंकि 2048 में एलियंस का हमला होने वाला है। पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक ब्रायन ने पुलिस को ये कहा कि वो प्रेसिडेंट से बात करना चाहता है। ये अपने आप में ही सबसे अजीब मांग थी। ब्रायन जॉनसन ने पुलिस को और भी चौंका देने वाली बातें बताई। ब्रायन जॉनसन ने पुलिस को ये कहा कि वो समय यात्रा कर सकता है क्योंकि एलियंस ने उसकी बॉडी में अल्कोहल भर दिया था और उसे एलियंस ने एक विशाल गोले पर खड़ा कर दिया और एक लाइट चमकी और वो 2018 में टेलीपोर्ट हो गया। पुलिस ने ये कहा कि ब्रायन जॉनसन की आगे नशे में धुत थी और उसके बॉडी से अल्कोहल की बहुत बुरी बू आ रही थी। फिर उसके बाद ब्रायन जॉनसन का पोर्टेबल ब्लड टेस्ट लिया गया, जिससे ये पता चला कि ब्रायन जॉनसन की बॉडी में अल्कोहल का लेवल 0.136 है। तो क्या ब्रायन जॉनसन सच कह रहा था, और क्या सच में 2048 में एलियन का हमला होने वाला है? समय यात्री ने ये दावा किया कि ये तस्वीर साल 6000 की है। एक बड़ी अजीब वीडियो यूट्यूब में शो हुई, जिसमें एक शख्स जो दावा कर रहा है कि वो एक समय यात्री है और वो साल 6000 से आया है। इस वीडियो में ये समय यात्री की आवाज पूरी तरीके से बदल दी गई है और इसके चेहरे को भी ब्लर कर दिया गया है ताकि कोई भी इसे पहचान ना सके, और इस वीडियो को एक गुप्त स्थान पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये समय यात्री ने भविष्य के सीक्रेट टेक्नोलॉजीज और आने वाले भविष्य का खुलासा किया। समय यात्री ने यह दावा किया कि वो एक सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा है जो लोगों को 1990 से फ्यूचर में भेज रहे हैं। वीडियो में समय यात्री ने यह बताया कि भविष्य में मेडिकल साइंस बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएगी और उस साल में हर बीमारी का इलाज होगा, बेहतर गवर्नमेंट होगी और बेहतर नए टेक्नोलॉजी बनेंगी ताकि इंसानियत एक अच्छी जिंदगी जी सके, और साथ में इन टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही कुछ हासिल किया जाएगा। सारी इंसानियत प्यार और शांति से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रहेगी। वीडियो में समय यात्री ने अपनी बात काटते हुए वीडियो के बीच में समय यात्री ने एक बेनाम सिटी की तस्वीर दिखाई जो साल 6000 की थी। ये फोटो काफी ज्यादा ब्लर है। इस पर समय यात्री ने ये कहा कि समय यात्रा करने के दौरान फोटो खराब हो जाती है। ये समय यात्री ने ये भी कहा कि साल 6000 में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उन्नत हो जाएगी जिससे इंसान काफी ज्यादा छोटे हो जाएंगे, और इस टेक्नोलॉजी से भविष्य में जगह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये समय यात्री ने बताते हुए ये कहा कि 2048 तक समय यात्रा एक आम चीज हो जाएगी। तो क्या आप इस समय यात्री के ऊपर विश्वास करते हो, और आपको क्या लगता है कि इंसानियत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रहेगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। साल 3800 से आई हुई लेडी ने भविष्य की चौंका देने वाली बातें वीडियो में बताई, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में लेडी ने ये दावा किया कि वो अल्बाइना है और उसका नाम बेला है, जिसने आगे की वीडियो में कमाल के सीक्रेट टेक्नोलॉजीज जैसे समय यात्रा के बारे में बताया। बेला ने ये कहा कि वो एक बेलारूसियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर कोज़लोव से मिली, जिन्होंने समय यात्रा करने का राज ढूंढ निकाला था। फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर ने बेला को समय के आगे साल 3800 में भेजा,
जहां पहुंचते ही बेला ने अपना कैमरा निकालकर साल 3800 की फोटो खींची। बेला ने इस वीडियो में अपने समय यात्रा करने वाले एक्सपीरियंस को शेयर किया और ये भी बताया कि फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर की टाइम मशीन कैसे काम करती है। जब बेला ने साल 3800 में अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वहाँ पर सारी बिल्डिंग बर्बाद हो चुकी थी, इंसानों की लाशें आसपास पड़ी हुई थी और कई सारे बर्बाद गैजेट्स और रोबोट आसपास पड़े हुए थे। ये चुका देने वाली फोटो बेला ने साल 3800 में खींची। ये फोटो काफी ज्यादा धुंधली है जिसमें आप एक भविष्य की बड़ी सी बिल्डिंग देख सकते हो जिसके थोड़ी दूरी पर कई सारे लाइट्स हैं। समय यात्री बेला ने ये कहा कि भविष्य में धरती पर इंसानियत को खत्म कर देने वाले रोबोट्स राज करेंगे, एकदम टर्मिनेटर्स की तरह। और बेला ने ये भी कहा कि उसका सामना ऐसे ही एक रोबोट के साथ हुआ था जो दिखने में काफी ज्यादा भयानक था, जो उसे मारना चाहता था। समय यात्री जिसने साल 2200 से खाना लाया। ये समय यात्री की कहानी बिल्कुल तरीके से अलग है जो दावा करता है कि वो साल 2200 से आया है और वो एक समय यात्री है। ये साबित करने के लिए उसने साल 2200 से एक सबूत भी लाया है। ये जो टेबलेट आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये असल में एक खाना है जिसे साल 2200 में गवर्नमेंट ने अपने सारे सिटीजन को दिया। ये टेबलेट खाने से इंसान 200 साल तक जी सकता है। समय यात्री ने ये कहा कि भविष्य में गवर्नमेंट हर महीने ये टेबलेट अपने सिटीजन्स को सप्लाई करती है और इस टेबलेट में सब कुछ है जो एक इंसान की बॉडी को चाहिए। समय यात्री डेविस ने ये दावा किया कि उनकी उम्र 103 साल है। ये टेबलेट भविष्य में सबके लिए मुफ्त होगी जिससे पूरी दुनिया में भुखमरी और प्लास्टिक पोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। समय यात्री डेविस ने ये भी कहा कि भविष्य में समय यात्रा कमर्शियल होगी जिससे कोई भी समय यात्रा कर पाएगा और समय यात्रा वही लोग कर पाएंगे जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होगा। डेविस के मुताबिक टाइम मशीन एक पोर्टल है जिसके अंदर आप जाते ही दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हो। समय यात्री डेविस ने यह कहा कि भविष्य में इंसान धरती के साथ दूसरे ग्रह जैसे मार्स पर भी रहेंगे। एक समय यात्री ने यह दावा किया कि गवर्नमेंट साल 2365 में समय यात्रा को स्पॉन्सर करेगी। एक आदमी जो दावा करता है कि वो यूनाइटेड किंगडम का एम्प्लॉय है और उसने आगे बताते हुए ये कहा कि गवर्नमेंट ने समय यात्रा करने वाली मशीन बना ली है। ये रहस्यमय आदमी ने ये दावा किया कि वो साल 2365 से आया है और उसने फ्यूचर के बारे में कई सारी बातें बताई। समय यात्रा करने के सफर के दौरान उस रहस्यमय आदमी ने ये कहा कि वो साल 2365 में 6 दिन गुजारा है। ये रहस्यमय आदमी ने यह दावा किया कि यूके के पास उन्नत समय यात्रा करने वाली टेक्नोलॉजी है लेकिन वो नहीं जानता कि समय यात्रा कैसे काम करता है। समय यात्रा करने वाली टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। उसने ये भी दावा किया कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे कई सारे नए रिसर्च करेंगे जिससे पृथ्वी और इंसानियत दोनों बेहतर हो जाएंगी इस रहस्यमय शख्स ने ये कहा कि उसे एक विशाल इमारत की छत पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। वो शहर उसके लिए अनजान था और सारे बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़े और अलग थे। वहाँ पर सारे ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा उन्नत थे जैसे आधुनिक प्लेन, बसेस और यहाँ तक कि उड़ती हुई गाड़ियाँ। इस शख्स ने ये भी कहा कि 300 साल के बाद भविष्य में धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं रहेंगे। नंबर वन पर जाने से पहले जिसने मिस्टीरियस महाभारत हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को इनेबल करना मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी अपडेट्स मिल सके। समय यात्रा करने वाले भाइयों ने आने वाले भविष्य का खुलासा किया। अभी तक आपने जितने भी समय यात्री देखे हैं वो हमारे समय से नहीं थे। 1943 में एक शख्स जिसका नाम है एल बाइलेक और उसका भाई का नाम है डंकन कैमरोन जिन्होंने समय के आगे ट्रेवल किया। वो दो भाइयों ने ये कहा कि वो एक सीक्रेट नेवी शिप के ऊपर खड़े थे। वो शिप गायब हो सकती थी और पूरी दुनिया में कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकती थी। टेलीपोर्ट करने के दौरान वो काफी ज्यादा डर गए और पानी में
गिर गए। पानी में गिरने के बजाय वो साल 2137 में पहुंच गए। उन्होंने 2136 में 6 हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारे क्योंकि उन्हें रेडिएशन पॉइजनिंग था। उनके हिसाब से मौसम के बदलाव के कारण यूनाइटेड स्टेट की ज्योग्राफी बदल जाएगी और वो ये भी जानकर काफी ज्यादा शॉक हो गए कि हर समय अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही है और ऐसा हमेशा होता आ रहा है। बेशक पूरी दुनिया में जंग होगी और रशिया और चाइना में काफी बड़ा युद्ध होगा और यूनाइटेड स्टेट काफी यूरोपियन कंट्री से मतभेद होगी। ये सब होने के कारण पृथ्वी पर इंसानों की आबादी सिर्फ 300 मिलियन होगी। हमें ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और आज का ये सवाल, अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो आप पहले क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और हमारे साथ ऐसे सफर के लिए इस मिस्टीरियस महाभारत हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अभी और भी एडवेंचर बाकी है। Bye.